ओके आई नो जंगली सा लग रहा हूँ मैं, मेरे बाल बहुत बड़े हो चुके हैं, मैं कटाया नहीं काफ़ी टाइम से, एक्चुअली टाइम नहीं और इतना ही बिजी नहीं हूँ बट पता है जा नहीं रहता। तो आज ब्लॉग इसलिए आ रहा है, एक अपडेट वीडियो इसलिए आ रही है, पता नहीं क्या कहेंगे इसको, मुझे खुद नहीं पता क्योंकि मैं घर आया हूँ काफ़ी टाइम बाद छुट्टियाँ लेकर के निकाल करके रक्षाबंधन घर आया हूँ। तो मैंने देखा ये सारे जितने प्लांट्स मैं छोड़ गया था काफ़ी चेंज हो गया है, इनमें मुरझा गए हैं कुछ अभी भी जिंदा है। चलिए आज हमारे गार्डन का एक टूर लेते हैं, ठीक है चलिए शुरुआत करेंगे इससे। ये मेरे जाने के बाद पापा ने लगाया, पता नहीं कौन सा है, ऑल्दो आई डू नो अ लिटिल बिट, जैसे जहाँ मेरे कुछ रिजेंबल तो हो रहा है की पत्तियों को देखने के बाद में, कोई नहीं एक्चुअली छूते नहीं है इसे। एंड ये तो तुम्हें पता ही होगा मैंने इसको पहले बहुत उगाया था, इसमें तीन टाइप के निकलते हैं एक्चुअली, पिंक वाइट एंड येलो, येलोइश कुछ, इसमें पिंक वाला है ये। एंड देखो तुम्हें एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ये ग्रास ना यहाँ से निकली बाहर, ठीक है, फिर ग्रेविटेशन की वजह से नीचे गई, ठीक है, यू कैन सी राज्य सारी नीचे आई है, ठीक है। बट क्योंकि इनकी टेंडेंसी होती है कि इनकी लीव्स और स्टेम ना, जितने प्लांट्स होते हैं ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स एंड स्टेम वहाँ की तरफ मूव करते हैं जहाँ पे इनको ज़्यादा सनलाइट मिलती है, ठीक है। तो ये नीचे गई बट वहाँ पे इनको अबंडेंस ऑफ सनलाइट हुई तो ये वापस ऊपर उठने लगी, ठीक है, सनराइज की वजह से। अब क्या होता है कि ना ऐसे जो ग्रास वाली प्लांट्स होते हैं फिर जिनकी मतलब रूट्स छोटी होती हैं उनको इतना न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता कि अपनी लीव्स का ना साइज एक्सपेंड कर दें, ठीक है, इनका छोटा छोटा साइज है, ठीक है। तो ये लोग ना क्या करते हैं, ये लोग अपनी स्टेम्स को ऊपर की तरफ रेज कर देते हैं, ठीक है, सनरेज की तरफ थोड़ा ज़्यादा ऊपर की तरफ कर देते हैं। वहीं पे ही जैसे पपाया का पेड़ हुआ ऐसा कुछ पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी लीफ का साइज इंक्रीज कर देते हैं। एंड इवन मनी प्लांट भी, तो मैं दिखाता हूँ देखो, तो ये जो मनी प्लांट है ना जो यहाँ पे लग रहा है वही वो वाला है जिसके बड़े पत्ते हैं, ठीक है, ये सब सेम है। स्टार्टिंग कैसे हुई थी, हमने एक नॉर्मल बेल लगाई थी वो पूरे इसमें फैल चुकी है, ठीक है, पूरा मिट्टी का ये बेस इसका। तो जो यहाँ पे है ना पत्ते देखो छोटे हैं, ठीक है, बट जब हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, वो देखो वो पत्ते बड़े हो चुके हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट ज़्यादा नहीं आती है। एक्चुअली वो बेल ना अभी वहाँ थी ऊपर की तरफ दूसरी साइड में, वहाँ से वहाँ निकल दिया अपने, ठीक है, और वहाँ देखो वहाँ और ही बड़े पत्ते हैं, मतलब ये लिटरली मनी प्लांट के पत्ते हैं एंड दे लुक लाइक सम बनाना सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वहाँ पे ना सनरेज बहुत कम आती है, यहाँ पे एक्चुअली ईस्ट वहाँ है और वेस्ट वहाँ है, ठीक है, तो सन निकलेगा ऐसे और ऐसे गिर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरे में आती है, ठीक है, बट वहाँ पेड़ की वजह से नहीं आती थी। अब ये पेड़ कट छटवाया गया है, पेड़ की वजह से नहीं आती है, ठीक है, वहाँ पे सनलाइट इसलिए यहाँ के पत्ते बड़े हो चुके हैं, यहाँ के छोटे हैं। एंड ये भाई साहब सूख रहे हैं एंड इसका रीज़न क्या है, आई थिंक इसमें कीड़े लग चुके हैं, हम लोग एक्चुअली एंटीबैक्टीरियल यूज़ नहीं करते, उस स्प्रेज वगैरह आते हैं ना, तो वही प्रॉब्लम है। पापा ने इसको खुद पे हील होने के लिए छोड़ दिया है जो कि शायद ये हो जाएगा, आई थिंक सो। और हमारी तुलसी देवी और ये ना एक्चुअली यही लगता है कि मतलब ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ठीक है, मतलब कैसे ख़राब कैसे हो रहे हैं, इन्फेक्शन आ गया है इनके अंदर, तो मेरे को भी क्लियर नहीं है, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा फिर मेरे को पता चलेगा कि ये क्या सीन है, इन्फेक्शन ही है या फिर एक्चुअली ये इसकी लीव्स जो है वो मुरझा जाती हैं, ऐसा कुछ सीन है। एंड ये भी तुलसी है, ठीक है, ये बड़ी मात्रा में है, छोटी मात्रा में है, पापा ने एक्चुअली ये पूरे इसमें लगा दिया तुलसी, वाह। वो थोड़ी सी वही वाली ग्रास जो वहाँ पे थी, देखा तुमने, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ने लगी है सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसको नीचे छाया में वो नहीं मिल रहा। एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा प्लांट लगता है मेरे को, मतलब इसकी पत्तियाँ ना हमेशा ऐसी रहती हैं जैसे अभी रेजुविनेट हुई हैं, बहुत प्यारा है। एंड फिर ये हमारा कांटो वाला, अब ये वाला कांटो वाला नहीं, ये नॉर्मल वाला, इसको कुछ कहते हैं भूल गया मैं, एक्चुअली इन सब के नाम बोल चुका हूँ, आई एम नॉट द टाइप ऑफ कि मुझे नाम याद रहे। और ये कांटो वाला, ओहो, और ये मनी प्लांट यहाँ तक आ गए हैं, ये पूरे में फैल गए हैं तो बहुत गंदे तरीके से। और देख इसकी जड़ें देखो भाई साहब, देख रहे हो कितना घना हो चुका है ये नीचे से, इसके छोटे वाले वो भी आ गए हैं बट ये भी बढ़ेंगे और ज़्यादा,
और एक वो है, ये एक्चुअली ये सनबर्न खा के मरने लग गया है, इसकी पत्तियाँ मुरझाने लग गई हैं। यही सेम हुआ है, सेम टाइप के लीव्स हैं इसकी, इसको भी सनबर्न हो रहा है। एक्चुअली ये GHG इफेक्ट के टाइप से रहे ना, तो ये काफ़ी अच्छे से उग सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हम ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है, ग्लास हाउस बना करके उसके अंदर नहीं उगा सकते, इसलिए हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, और इसकी वजह से थोड़े से मुरझा जाते हैं। पापा ने जानबूझ के उसको कोने में रखा था, बट फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ रही थी, अब थोड़ा आया है तो अब थोड़ा सा ढंग से हो जाएगा। ये सर्दियों में आते आते तक सितंबर अक्टूबर तक इसकी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर ये है हमारा गुड़हल का फूल वाला प्लांट हिबिस्कस। अभी ये नया है, अभी इसमें टाइम लगेगा उसको। इन पर क्या होता है ना, छोटे वाले जो चींटे होते हैं ना वो घूमते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर है, इसके जो लीव्स हैं, वो हल्की सी उनमें स्वीटनेस होती है शायद उस वजह से, आई गेस, बट वो काफ़ी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में। इंसेक्ट्स बहुत हेल्प करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। और फसल ये तो पूरा ही मुरझा गया, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी सूख गया है, बट ये जिंदा है। करी पत्ता, ये छोटा सा क्या है, ये किसका बीज लगाया था ना, इमली का बीज लगा दिया था। हाँ ये तो बाहर आ गया है, इसको अंदर कर छोड़ो रहने दो। जैसे टैप रूट होता है इमली के पेड़ का, तो इसकी जड़ है वो सीधे नीचे जाएगी, ठीक है। और ये है हमारे घर का सबसे पुराना प्लांट, लाइक इसको काफ़ी टाइम हो चुका है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, लाइक 15 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। ये प्लांट कितना पुराना होगा मसीह वाला, फिर भी कितना पुराना अंदाजन, मेरे बचपन के आसपास का ही है, मतलब जब मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा था तब का है। 18 साल के आसपास हो गए होंगे इसको, तब से हमारे साथ में। पहले ये बहुत बीच में ऐसा था, सिंगल प्लांट था ये, अब इसने 4 अपने से निकाल दिए और अभी इतना बड़ा है, इट्स लाइक मेरे से भी लंबा हो चुका है, मतलब मेरे बराबर का एक्चुअली, हाँ इतना ही बड़ा नहीं हुआ। और बस यही है हमारे फिलांत, ऐसे एक वाइड शॉट और लेते हैं, ये हैं पूरे प्लांट। नाइस, ओके, सो हेलो गाइस, I haven't uploaded a video since last 4 to 5 months, I guess, and I had lost 3 subscribers till now. I already knew the consequences of it, and I haven't uploaded a video because I wasn't going out of the house. And I was waiting for the vacations, and every plan that I made had already been in vain. So now, I'm going to upload videos related to my personal life, like how I do my things during the weekdays, during the weekends, how I celebrate the parties and all. So stay tuned with me, and sorry for being late. If anyone is listening to this, take care. Goodbye.